बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना कि तुम सब खैर खरीदिया ना हो गए। अल्लाह ताला को हमेशा की तरह दुआ गुआ कि अल्लाह ताला तुहानू अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। जिहड़े जिहड़े मेरे भाई कारोबार की वजह नाल परेशान ने, अल्लाह ताला उन्होंने कारोबार से लाए। मैं इस टाइम ना अपने नैना कोट, कई दोस्त साढ़े लिखते ने कोट नैना, कई नैना कोट, लेकिन मैं भी नैना कोट कहना अच्छा लगता। यह नैना कोट का हस्पताल आ, जिहड़ा पुराना हस्पताल आ, तुहानू दसने यह नवा हस्पता हस्पताल जिहड़ा ना बनया। भाई दस्यो ना नवा हस्पताल बनया माशाल्लाह। दोस्तों असी नैने कोट बाज़ार च पहुँच गए हैं। तो छोटा भाई से उन्होंने मैं कहा, मैं यार मेहमान से मामू नासर के बेटे से लाहौर तो, छोटे से, तो मैं उन्होंने कहा मैं यार भाई तू अपने ना मोटरसाइकिल पिछे बैठ के तो वीडियो बनाई थोड़ी जी, तो उन्हें अपने ना वीडियो बनाई। मैं चलो बहरहाल गुजारा करने अज तू कद इंशाल्लाह तआला फिर जिंदगी कद टाइम मिले तो फिर तू पूरे नैने कोट की वीडियो बना के ना दिखावे। तो असी अज जा रहे डेरा नूर मलक, तो अपने इबरार भाई पिछे बैठे दे छोटे, तो मैं इबरार भाई जरा दसो ना क्या जरा सिरकियाँ वगैरह काने वगैरह नैने कोट ना बहर वाली साइड से बाजार के बहर वाली साइड से लोगों ने लै लै के काने रखे देने या बेले चो काने लै कहना फिर इतने सिरकियाँ बनाते हैं। सिरकियाँ तो बाले जोड़े कच्चे छत्तों के होंगे ने, वह सिरकियाँ इतने बन दें तो अपने छत्तों पर पैदा ने, इतों लोग लैके जाते हैं पिंड सिरकियाँ, देखो सिरकियाँ पई दी। तो बहर वाली साइड के खेत वगैरह ने सारिया पैलियाँ, तो बहुत जबरदस्त माहौल है। अगे असी जाना जी जगयाल के लंघ के ना नैने कोट के लागों की जगयाल के लंघ के अं जाना डेरा नूर मलक। उत्थे साढ़े ना मेरी वाइफ के नाना जी सी बीमार सी, उन्होंने अटैक होया फालज का, तो वह असी पता लैन वास्ते जा रहे सी। तो बच्चों असी पहले भेज दिता था सी, तो मैं तो बरार अपने जा रहे हूँ ऐसी जगयाल के लंघ के जा रहे हैं। अगे तुहानू दसने जगयाल के बाहर वाली साइड से भाई एक ने जगयाल दे ने उन्होंने चार पाँच किले जड़ा ना करेली लाई दी है, तो बहुत जबरदस्त एक साढ़े को खेत सगो मिस हो गया जरा तुम दसना ही, वो तो माशाल्लाह जी ना करेली बिल्कुल तैयार होन दी सी। यह देखो यह खेत लाया ये करेली करेली जी ना होनी है, लेकिन इन्होंने पहले बांस जाली वगैरह सारी जी ना खड़ी खुड़ी कर दी है ताकि करेली जदों उगेगी मसाला तो वो जी करेली वेलों ने सारिया यह वेलों इन्हों बांसा के उत्ते जाली के उपर चढ़ जाएगियां, जमीन के नाल टच नहीं होनगियां, क्योंकि तुहानू पता जमीन के नाल करेली टच हो जमीन पर वेलों पैदा होने तो करेलियां सड़ जांदियां ने। यह देखो यह सारे जड़े ना अपने करेली का खेत है भी बांस गड्ढे हुए ने, तो अगे मामू नासर जा रहे हैं साढ़े अगे अगे, क्योंकि बरार इन्हों ना बैठे थे तो मैं बरार भाई ने कहा मैं तू मेरे आ जा नाल मोटरसाइकिल से, तू यार वीडियो बनाई थोड़ी जी मोटरसाइकिल। तो वह सड़क बहुत ज़्यादा टुटी दी, तो सड़क टुटी होने की वजह नाल उहदे कोलों ना मोबाइल जड़ा ना बहुत हिलदा सी कंबदा सी, तो मैनूं कहिंदा सी भाई मोबाइल जड़ा ना बड़ा हिलदा। मैं चलो कोई गल नहीं गुजारा करो हुण कोई गल नहीं। तो यह जगयाल के विचों नहीं असीं लंघ के जाना दोस्तों अपने डेरा नूर मलक। तो बदल जड़ा ना बहुत ज़्यादा हो आ, वैसे एक बारिश की झुट्टी लग गई है तो थोड़ा जहा फर्क पिया आ, तो असी मैं चलो निकल जाइए। असी पहुँच गए अपने नाना जी के घर डेरा नूर मलक, बारिश इतने आ गई सी, बारिश हो रही है, तो मैं घर पहुँचा मोटरसाइकिल खड़ी की है, तो मैं बारिश की वीडियो बना ली है। हूँ अं तो भेज भुज गए हैं। यह सामने जी अनारा का बूटा है, अमरूदा का बूटा, ये नाल ही और सामने नींबूआ का बूटा, इधर भी नींबूआ का बूटा, तो यह सामने चमेली की वेल है, तो नाल गुलाब का बूटा है एक बहुत प्यारा। तो बारिश बहुत जबरदस्त हो रही है, थोड़ी तुम छाते चढ़ के ना छत का व्यू भी दसना, तो तुम बाहर पैलियां जी खेत वगैरह जो तुम दसना किस तरह पानी ना भर गए हैं, और जिन्हों पैर छला कहें जिस मैं तो उही समझना कि जिस पैर छला पै गया, बेशक बंदा अज मुंजी लानी शुरू कर दे। पनीरियां भी अपने दोस्तों कई लोगों जिमीदारा ने लानिया शुरू कर दी दी ने, पनीरी जी उगाई दी है। तो हूँ यह देखो छत है, छत तो तुम देखो पैलियां किस तरह पानी खड़ा, सारे खेत पानी ना भरे देने,
ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਿਊ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਛੱਤ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਟੀ ਬਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵਿਊ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਮਮਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੜਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਖੇਤ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ, ਮਸਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਜ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੌਸਮ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਰ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤਨਵੀਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।